वाराणसी में कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य दिव्य बनकर तैयार हुआ कॉरिडोर। गंगा घाट से जल लेकर मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे साक्षी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। शंकराचार्य समेत देश भर से 500 साधु संत बनेंगे लोकार्पण के साक्षी। सीएम योगी ने खुद फोन करके संतों को दिया निमंत्रण। कल 20 मिनट के भीतर होगा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच शुभ मुहूर्त। काशी में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां। एक रंग में रंगे घर और झालरों से पटी सड़कें। घाटों का बदला दृश्य। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष तैयारियां। काशी के 8,00,000 घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर डमरू के निनाद से गूंज उठी शिवनगरी प्रभात फेरी। संकीर्तन उत्सव की गूंज। कॉरिडोर के लोकार्पण के समय कई घाटों पर आतिशबाजी। लेजर शो, दीपोत्सव, लघु भारत का दिखेगा विहंगम दृश्य। पीएम की यात्रा से पहले मंदिर के दर पर पहुंचे सीएम योगी। कल होने वाले भव्य कार्यक्रम का लिया जायजा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली के दौरान राहुल ने मोदी पर बोला हमला। कहा 2014 से हिंदुत्ववादियों को का राज है, इन्हें हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बताया फर्क। कहा महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे से हिंदुत्ववादी था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फिर भरा दम। कहा मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। राहुल के हिंदुओं को सत्ता में लाने वाले बयान पर भड़के ओवैसी पूछा क्या यही है सेक्युलर एजेंडा। जयपुर में राहुल के बयान पर बीजेपी के साथ साथ वीएचपी आग बबूला। पूछा राहुल बताएं अपना गोत्र। उन्हें बताना चाहिए कि उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या है, वो आखिर उनके दादा से ऐसा हुआ क्या था जिसको वो छिपाना चाहते। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल के बयान को बताया अर्थहीन। राज्य के लोगों को रैली से कुछ नहीं मिला। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने राहुल को घेरा। कहा राहुल की भाषा खुर्शीद जैसी। जयपुर में महंगाई के विरुद्ध रैली में पहुंचा पूरा गांधी परिवार। सोनिया प्रियंका राहुल के साथ। प्रियंका ने उठाया महंगाई का मुद्दा। कहा एलपीजी सिलेंडर और सरसों के तेल के दाम में लगी है आग। प्रियंका का केंद्र और मोदी सरकार पर हमला। कहा जनता के लिए कुछ नहीं किया, कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है सरकार। सचिन पायलट ने कहा महंगाई के कारण आम लोगों को बेहद परेशानी। सीकर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को बताया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। यूपी के एटा में नड्डा ने छोड़ा गन्ना जिन्ना का राग। कहा हम गन्ना की बात करते हैं, अखिलेश जिन्ना की। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता। यूपी में वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए बढ़ाया सरदर्द। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर गन्ना आयुक्त को लिख दिया पत्र। यूपी में डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत, योगी ने उद्घाटन किया। गाजीपुर में 177 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर जीतेंगे हम। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश ने कहा अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं, वो भी साथ आ गए हैं,
तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा समाजवादी को अपना नाम बदलकर माफियावादी कर लेना चाहिए। यूपी में बीजेपी की बड़ी राहत, महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। आजमगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया, कहा 40% आरक्षण को प्रियंका पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू करें। किसान आंदोलन को लेकर बोले टिकैत, 17 दिसंबर को तमिलनाडु, 19 को वर्धा में बैठक। कैराना में किसानों की महापंचायत, टिकैत ने कहा आचार संहिता लगने के बाद यूपी चुनाव पर करेंगे मंथन। और संयुक्त मोर्चा अलग रहेगा बिल्कुल, कोई लड़ना चाहे भाई, कोई व्यक्तिगत है, किसे कोई पकड़ लगा घर में तो कोई बांधे नहीं। अमृतसर में ढोल पर भंगड़ा करते हुए किसानों ने मनाई खुशी, दिल्ली से लौटने पर किसान यूनियन का समर्थन। अमृतसर में सिद्धू ने लोगों से चर्चा की, बोलता पंजाब इवेंट के तहत अलग अलग मुद्दों पर जानी राय। दिल्ली के रघुवीर नगर में हंगामे के बाद सांसद मनोज तिवारी का आरोप, श्रद्धांजलि सभा में जानबूझकर हुई आसान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया, 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए सभी हथियार वॉरशिप एयरक्राफ्ट को प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतापुरा में सेना का घंटों चला ऑपरेशन, एक आतंकवादी को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बंगाल के आनंदपुर से 20 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी, यूपी पुलिस और कोलकाता पुलिस की साझा रेड में सफलता। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 2 क्रूड बॉम्ब बरामद, बीएसएफ ने ड्रग्स और 6 मवेशियों को बरामद किया। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट 2 मिनट के लिए हैक हुआ, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, बाद में किया गया डिलीट, पीएमओ ने दी जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का बयान, किसान आंदोलन से 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गोयल में ड्रोन मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर का ऐलान, 5% से ज्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल। श्रीनगर में पीडीपी के युवा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा दिल्ली, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर के अंतिम संस्कार में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दी श्रद्धांजलि। लांस नायक साई तेजा का पार्थिव शरीर उनके घर चित्तूर पहुंचा, गन सैल्यूट के साथ अंतिम विदाई। जनरल रावत के बॉडीगार्ड सतपाल राय का पार्थिव शरीर पहुंचा बागडोगरा, कल दार्जिलिंग में अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, दीक्षांत समारोह में एक दिन उन्होंने किया था संबोधित। गाजियाबाद में आपने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा, संजय सिंह मौजूद। कोटद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 90 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा राज्य में विकास की बहार है। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी और राजेश्वरी यादव के स्वागत के लिए लगाया होर्डिंग्स बैनर, राबड़ी घर पर जश्न की तैयारियां पूरी। राजकोट में टमाटर के दाम आसमान पे, 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे। देश में बीते 24 घंटों में 7,774 कोरोना के मामले, 306 की मौत। देश के 18 से ऊपर की 55% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम काफी तेज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है खतरा, 4th व्यक्ति मिला पॉजिटिव। इसमें जो है वीकनेस, मेजॉरिटी जो वीकनेस कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, कंसर्न है सिर्फ इम्यूनिटी स्केप होने का। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला, 22 नवंबर को इटली से आया था।
नागपुर में भी मिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज, दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। कर्नाटक में ओमिक्रॉन का तीसरा केस, दक्षिण अफ्रीका से आया शख्स पॉजिटिव मिला। कर्नाटक के देवनगिरी जिले के नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव, स्कूल प्रशासन में मचा हड़कंप। केरल में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, अब तक देश भर में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 38। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्राइवेट स्कूल में कोरोना से 9 बच्चे पॉजिटिव मिले, कुल 15 लोग हैं यहां बीमार। दिल्ली में तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 2 कैदी घायल। थाने के कल्याण में बीजेपी युवा अध्यक्ष पर हमला, कुछ युवकों ने तोड़ डाले कार के शीशे। गया में धार्मिक ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता को डस्टबिन में फेंकने का मामला सामने आया, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शिक्षक के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन। पटना के बाढ़ में अपराधियों का तांडव, शादी से निकल रहे 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 8 को गिरफ्तार किया, पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करते थे। रायपुर में शादी में हादसा, क्रेन की टूटने से दूल्हा दुल्हन गिरे। महेश नांदेड़ में चोरों ने लोगों की उड़ाई रूत, रात भर जाकर घरों की निगरानी कर रहे हैं लोग। नोएडा में चलती कार में आग लगी, चालक ने कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी आग, घर के लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। गुवाहाटी में 8 किलो सोना जब्त, 2 गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव दिलचस्प, भोजपुरी सितारे आमने सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में खाद की कमी, किसान परेशान। भरतपुर में गेहूं घोटाले को लेकर कार्रवाई, गोदाम हुआ सील। झारखंड के गुमला में 6.5 साल की आरोही ने 1:58 में पढ़ ली हनुमान चालीसा, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया वीडियो, मिसल पाव के दिखे मुरीद।